किराए के टट्टों का सहारा लेना छोड़ दें, ये किराए के टट्टू हैं, आज हैं कल नहीं है। बाकी ये नहीं समझना कि मैं भाग गया हूँ, मैं आपको हर वक्त जवाब देने के लिए आऊँगा और आता रहूँगा, ठीक है ना। मैं आपकी एक एक चीज़ मैंने बर्दाश्त की है और मैं कब से देखता आ रहा हूँ कि ये क्या करती आ रही है, क्या करती आ रही है मेरे बच्चों के ऊपर, मेरी वाइफ के ऊपर। आपने जो घटिया घटिया इल्ज़ाम लगवाए हैं, ठीक है ना, हमारा एक ज़मीर है, हमारा एक बड़ा दिल है कि आज तक आपके बच्चों के ख़िलाफ़ नहीं बोला, ठीक है ना, ना किसी को कहा कि इनके बच्चों के ख़िलाफ़ बोलें, तक आपके बच्चों के ख़िलाफ़ नहीं बोला, ठीक है ना, ना किसी को कहा कि इनके बच्चों के ख़िलाफ़ बोलें, फिर भी मैं चुप रहा। आप इतना गिर गई हैं ना कि आप एक चंद व्यूज़ की खातिर अपने माँ, अपने बाप का नाम आपने बदनाम कर दिया है, ठीक है ना, फिर भी मैं चुप रहा। आप इतना गिर गई हैं ना कि आप एक चंद व्यूज़ की खातिर अपने माँ, अपने बाप का नाम आपने बदनाम कर दिया है, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे। और आज एक नई सुबह का आगाज़ शुरू हो चुका है, वो भी काफ़ी लेट, तकरीबन 3:00 बज चुके हैं, 3:10 15 मिनट, दरबार कितना टाइम हो गया, 3:15 हो गए और ये रोज़ की तरह लेट हैं आज। वो तो आपको पता है, तो आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस जैसी नीच और घटिया बहन मैंने कभी नहीं देखी, जिस तरीके से ये अपनी बहन को पूरी दुनिया में जलील करवा रही है और इसने किया है, तो ये इसको मैं एक बेहुदा और घटिया औरत समझूंगा, ये है ही इसी लायक। और आज जो जिन लोगों के साथ ये बैठ के हंस रही है वही इनके ऊपर बातें करते थे, और ये ना समझे कि ये मेरे साथ मुखलिस हैं और ये मेरे साथ बैठे हुए हंस रहे हैं, तो कल यही इसी के मुंह के ऊपर थूकेंगे और फिर ये रोती फिरेगी कि मैंने क्या किया। ये वक्त दूर नहीं है, ये जल्द ही करीब आएगा और सब देखेंगे। जो अपना इसने घटियापन दिखाया है ना, तो मैंने ऐसा ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। जो इसने अपनी एक नीच घटिया और गिरी हुई हरकतें की हैं। अब मैं कहता हूँ कि आप जो भी गंद, जो भी चीज़ें, कुछ भी ला के बैठ जाओ ना, तो हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप ये कहो कि मैं वो चीज़ ले आऊँगी, फलानी चीज़ ले आऊँगा, ये चीज़ ले आऊँगा, ठीक है ना, ये हम सुन सुन के ना हमारे कान थक गए हैं। आप जो भी नीच और घटिया हरकतें करो ना, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको आपके मुँह पर जवाब दूँगा और आपके मुँह के ऊपर ही थूकूँगा। और ये समझती हो कि मैं अपनी बहन की बुराइयां करके ना मैं फेम हासिल कर लूँगी। ये फेम आप समझें कि आपको ना एक गिफ्ट मिला है, वो भी सितारा की वजह से, ठीक है ना। आपको तो कोई जानता ही नहीं था, आपको तो कोई पहचानता भी नहीं था, और ये वही गंदे लोग हैं जो आपको बुरा भला कहते थे, ठीक है ना। तो आज वही आपके साथ बैठे हुए हैं, कल को आप के ऊपर यही थूकेंगे, ठीक है ना, और आपके ऊपर इतनी घटिया घटिया इल्ज़ाम जब लगाएंगे ना, फिर आपको समझ आएगी कि मैं किस तरफ गई थी और मैंने ये क्या किया है, और मैंने ऐसी घटिया हरकत मेरे जहन में कैसी आई। क्या आप एक अपने चैनल को चलाने के लिए ये हरकतें की हैं? और ये दो जो खानपुर के बंदर लेके बैठी हो ना, ये तो हमारे तलवे चाटने के लिए आते थे, ठीक है, हम गरूर नहीं करते, पर ये तो तरसते थे कि हमें कभी टाइम दे, हमें शार्ट रूट दें। ये इनके चैनल जो ग्रो हुए ना, 1,000 2,000 व्यूज़ वालों के, सब्सक्राइबर वालों के, आज 40 के ऊपर चले गए, तो ये सब सितारा की वजह से हुए हैं। ये जो खानपुर के बंदर हैं, इनको तो कोई पहचानता ही नहीं था, ये सिर्फ पहचान हुई है इन लोगों की तो सिर्फ सितारा की वजह से हुई है। और आप जितना भी घटिया इल्ज़ाम लगा सकती हैं अपनी बहन के ऊपर लगाएं, उसकी जूती की नोक को भी परवाह नहीं है और ना मुझे परवाह है, ठीक है ना। और आप क्या समझती होंगी कि
मैं इसको छोड़ के कहीं चला जाऊंगा। ये आपकी घटिया सोच है, ये आपकी घटिया हरकत है, ठीक है ना। जब अल्लाह नहीं चाहेगा तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने जिस तरह ये किराए के टट्टुओं के सहारा ले रही है ना, इन किराए के टट्टुओं का सहारा लेना छोड़ दो, ठीक है। ये तो हैं किराए के टट्टू जो आप साथ ले लेके घूम रही हो, ठीक है। ये खानपुर के बंदर, ये दूसरे तीसरे, ये सारे लूसी लूसी हैं, इनका सहारा मत लो। ये कल आपके सर के ऊपर बैठ के ना आपके ऊपर पेशाब करेंगे। आप जैसी घटिया औरत मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ये तो अभी सब रेडी हो चुके हैं और बस दिल पर बाबर जो है वो रहते हैं, तो इनकी वजह से हम लेट हो रहे हैं। मैं दो दफ़ा आ चुका हूँ नीचे गाड़ी खड़ी हुई है, दो दफ़ा आ चुका हूँ। तो बस अभी चलते हैं। सर आज का कहाँ का प्लान है? सर प्लान तो पहले आप चलो तो सही, यहाँ पे आज ना कोई पहाड़ों वहाड़ों में निकल जाते हैं, आज बच्चों की राइड पे चलते हैं, थोड़ा बच्चे एंजॉय कर लेंगे काफी। कुछ जगह का नाम क्या है कुछ? नहीं मुझे नहीं पता। चलो चलते हैं। बाबर चला गया? बाबर नीचे चला गया। अयूरा क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? ये तो अभी सब रेडी हो गए और बाबर दिलबर नीचे जा चुके हैं, तो अभी हम भी नीचे चलते हैं। लिफ्ट आ चुकी है और लिफ्ट चली भी गई और आयत जो है अभी तक किसी में बैठी है, क्योंकि मेरी वाइफ और तैयबा अंदर है, वो आएंगे तो हम जाएंगे। यू पुश द बटन। यस यू पुश, यू पुश 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 करो। गुड। आप कितनी देर है आपकी मामा को? जल्दी बुलाएं, जल्दी बुलाएं, नीचे गाड़ी वेट कर रही है। चलें। तो गाड़ी में जो है वो जगह नहीं थी, तो इस वजह से आयत की जो ट्रॉली थी वो वापस घर में रखती है, तो अभी हम साथ लेकर नहीं जा रहे हैं। चलें। साथ गई थी ट्रॉली ऊपर रखने के लिए और गाड़ी जो है सामने खड़ी है, वो हमारा वेट कर रहे हैं। सब गाड़ी में बैठ चुके हैं, अब हमने बैठना है। चले चले तैयबा। तो यहाँ पर जॉब हो रही है, तो हम कहीं जा रहे थे तो ये रास्ते में स्टे किया है, तो बच्चे वगैरह अंदर गए हुए हैं, तो ये सामने देखें कितना प्यारा व्यू है, बहुत ही खूबसूरत। तो हम जा रहे हैं इब्न बतूता, तो यहाँ पर थोड़ा सा स्टे किया है, तो यहाँ का व्यू देखें कितना प्यारा है, खूबसूरत लग रहा है। इब्न बतूता पहुँच चुके हैं और ये देखें यहाँ की गाड़ी, इतना खूबसूरत है और बहुत ही प्यारा है यहाँ का व्यू, और देखें ऐसा लग रहा है रियल में जो है आसमान है, पर ऐसा कुछ नहीं, इन्होंने खुद बनाया हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। पर किस तरीके से कल्चर दिखाया गया, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। पर जो है सितारा का फोटो शूट कर रहे हैं और आयत पता नहीं क्यों रो रही है, इससे मैं अभी देखता हूँ क्या। आयत, आयत क्या हुआ बेबी को, क्या हुआ? हाँ अच्छा अच्छा, आ जाओ मैं आपको उठाता हूँ। आ जाओ मुझे भी बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। मदिया सच में दिल की बहुत अच्छी है, बहुत खुशी और बहुत अच्छा दिन गुजरा भाई आपके साथ, मेरे दोनों के साथ। अल्लाह आप दोनों को खुश रखे। बहुत दिन गुजर में जाकर एक बात होगी, इतनी प्यारी फैमिली है ना, ये इतने जेन्युइन लोग हैं, इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं ना, कि आप इनसे एक बार मिलोगे आपका दिल जुड़ जाएगा इनके साथ और आप प्यार के दिल में घर कर जाएंगे। तो अल्लाह पाक इन लोगों को हमेशा खुश रखे और नजर रखे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हो गया, क्या हो गया? बहुत काफ़ी भी इंजॉय किया, मज़ा आया और सब मिलके घूमने गए थे। इमरान भाई थे, मदिया बीवी थी, सितारा मेरी वाइफ थी, बाबर दिलबर, सब हम घूमने गए थे और काफ़ी इंजॉय किया। अभी हम होटल में हैं तो अभी ये लोग जा रहे हैं। मेरी प्यारी सी बेटी देखो गिटार बजा रही है, वाह ये तो बहुत अच्छा गिटार बजाती है। हाँ अपने टॉयज़ को जो है ना कम यूज़ करती है और तैयबा का जो टॉयज़ है ना उसको बड़ा ये तरीके से यूज़ करती है, हर वक्त उसके टॉय उठा लेती है, कभी क्या उठा लेती है कभी क्या, अपने तो तोड़ती तोड़ती है उसके भी तोड़ के रख देती है।
हेलो आयत, आयत क्या कर रही है? आयत रात के 2 बज गए और अभी तक इसको नींद नहीं आई। रात के 2 बज गए और अभी तक इसको नींद नहीं आई। तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कैसे आयत? आयत। और इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ मिलेंगे कल। तब तक के लिए हमें दे इजाजत मुझे और आयत को। अल्लाह हाफिज। बाय बाय। बाय बाय करो आयत। आयत आयत बाय बाय करो। बाय बाय। ओह गुड।